नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आज न्यूज 18 के खास कार्यक्रम अपना टाइम आएगा लेकर मैं मौजूद हूं ग्वालियर में। ग्वालियर के युवा आखिर क्या सोचते हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो 50% आबादी जो है वो इस समय युवा है। 30 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे, आखिर उनके वोट के क्या है मायने, आखिर वो किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं। हम सीधा युवाओं से बात करते हैं। सर, किस तरह की सरकार आप लोग चुनना चाहते हैं जो युवाओं के लिए काम करे? युवाओं की पहली प्राथमिकता होती है रोजगार, और निश्चित रूप से जो सरकार रोजगार निकालेगी यूथ उसके साथ होगा। और जहां तक अगर पिछली सरकार की बात करें तो उनका एक सराहनीय कार्य जो रहा कि नौकरी कब तक अपन लेने वाले बनेंगे, नौकरी देने वाले अगर बनेंगे तो उस पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो चलाई थी, मुझे निश्चित रूप से वो योजना जो थी वो वास्तविकता में वो ऐसी योजना है जो कि ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी पहल साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है कि जब आप वोट करने जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होती है? हमारी जो सबसे पहले प्राथमिकता रहती है तो हम सबसे प्रथम यही देखा जाता है कि जो सरकार जो बनने वाली है उसने हमारे हित के लिए क्या कार्य किया है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम मतदान करते हैं। क्या लगता है कि देखिए युवाओं की सब सरकारें बात करती है लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो कुछ जो भर्तियां हुई उसमें घोटाले होते, क्या लगता है ये सब चुनाव में असर डालते हैं आप लोगों के? जी सर, क्योंकि क्या है भर्तियां युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या युवा साल भर लगकर पढ़ाई करते हैं, फिर वो एग्जाम फाइट करते हैं, फिर लास्ट में जब ये सुनने को मिलता है कि किसी कारणवश उन भर्तियों को रद्द कर दिया जाए, तो वहाँ मुझे थोड़ी सी निराशा लगती है कि युवाओं की मेहनत व्यर्थ जाती है। सरकार को कोशिश करना चाहिए कि इसे चुनाव से अलग रख के भर्तियों को रद्द ना किया जाए। और भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, आप बताइए कि ये इलाका जो है वो कई बार हमने देखा कुछ सीटों पर जातिगत आधार पर वोटिंग होती है, क्या लगता है कि जातिगत आधार होना चाहिए कि या फिर विकास सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए? सबसे प्राथमिकता विकास होना चाहिए, और जब तक देश नहीं बचेगा तो उस विकास का भी कोई मतलब नहीं है। और जो वर्तमान में सरकार है तो उसकी परिभाषा एक मैं रामचरितमानस की सुंदरकांडिक चौपाई से देना चाहता हूँ। हनुमान ते परिसा कर मुनि प्रणाम और राम काज कीजे बिना मोए कहाँ विश्राम। ऐसी जो सरकार है जो राम के काज करने के लिए आई, और संभव था कि अपने देश में कभी राम मंदिर बन सकता था, कोई संभव था? वो सरकारें थी, ऐसी सरकारें थी जो राम के लिए ऐसे ऐसे आंदोलन करवा रही थी, और कभी राम का मंदिर बन सकता था? कोई संभव था? धारा 370 हट सकती है? वो कश्मीर का नर हत्याचार कभी हट सकता था? संभव था कि नहीं था? मैं तो एक विधि का छात्र हूँ, तो मैं सभी को इस ओर से देखना चाहता हूँ, और मैं तो चाहता हूं कि सभी का विकास हो। ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में अभी है और 20 साल से चल रही है, जो विकास कर रही है, चाहे वो मेरी लाडली बहनों के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, सीखो कमा योजना हो, सभी विकासशील योजनाएं चल रही हैं, और सरकार सबसे अच्छी है, और यही सरकार रहनी चाहिए तो देश बच जाएगा, नहीं तो देश को खतरे में लाना है। तो ऐसी आक्रांताओं की सरकार जो परिवारवाद पर काम कर रही है, जो लोकतंत्र पर काम नहीं कर रही, ऐसी सरकारों को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं लेकिन रोजगार बात हो या एजुकेशन सिस्टम की बात हो, क्या लगता है कि क्या युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? जैसे कि जो सरकार काम कर रही है, जैसे कि वो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रही है जो भी युवा हैं उनको, तो सरकार इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है कि सेल्फ डिपेंडेंट ही बनेंगे, क्योंकि रोजगार सरकार जो कर रही है वो दूसरों को मतलब दूसरों को जो रोजगार दे वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब खुद के लिए तो रोजगार हर कोई कर लेता है, लेकिन दूसरों को रोजगार दे जो ऐसी मतलब जो सरकार जिसके ऊपर काम कर रही है, वो सरकार का ये काम बहुत अच्छा काम है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर अगर हम बात करते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं कि कभी मार्कशीट लेट हो जाती है, एग्जाम लेट हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि ताकि छात्रों का हित जो बना रहे? देखिए, मेरा कहना तो यही है कि जिस तरीके से कहते हैं कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ राष्ट्रवाद की भावना नहीं। ये कोई भी सरकार बनती है तो सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद की भावना हो। हम देखते हैं चाहे राज्य लेवल पे हो या राष्ट्रीय लेवल पे हो, आज देखा जाए वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री की विश्व पटल पर एक पहचान बनाने बन रही है, और इसी तरीके से हमें पहचान बनानी, तो हमें ऐसे युवाओं को आगे लेके आना चाहिए राजनीति में जो आगे करके काम कर सके। राजनीति में जो वोटर और जो प्राथमिकता दी जा रही है और जो सीटें दी जा रही है वो जातिवाद और उसके कर्म के आधार पर दी जाना चाहिए, जो वास्तव में उसके काबिल है। तो सरकार को जो नेता खड़े करे जा रहे हैं उनके लिए एक निश्चित वो बनानी चाहिए कि आप यदि इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो ही उसको वो करना चाहिए, क्योंकि हमें राष्ट्रवाद की भावना लानी है तो हमें ऐसी सरकार चुननी होगी जो विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बनाए। एक अच्छी बात कही कि युवाओं का वोट सबको चाहिए लेकिन टिकट नहीं मिल पाता है। हाँ जी बिल्कुल, देखो युवाओं को मौका नहीं मिल पाता है, कुछ मठाधीश बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा मेरा टिकट मेरा टिकट मेरा टिकट। अभी जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आई है, उसमें कुछ लोगों को टिकट नहीं कटा है, दूसरी लोगों को टिकट दे दिया है, तो वो एक विद्रोही बन रहे हैं। नहीं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है टिकट लेना। नहीं, युवाओं को इस चीज में मौका देना चाहिए, युवा लोग आएंगे, युवा सोच आएगी, नए विकास के आयाम गढ़ेंगे, वो युवाओं के हित की बात करेंगे, अपनी बात खुद मजबूती से रखेंगे, तो युवाओं को आगे आना चाहिए और टिकट देना चाहिए।
और भी कुछ लोग हमारे साथ। मैम क्या लगता है कि जब आप वोट करने जाते हैं तो पहली प्राथमिकता आप लोगों की नज़र में क्या होती है? पहली प्राथमिकता ये होती है कि देखा जाता है कि कौन सरकार ने क्या किया है, क्योंकि जो 20 सालों में महिलाओं को लेकर जो सुधार आया है, महिला सशक्त हुई है। पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर अब महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, एजुकेशन मिल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है, तो काफी ज्यादा मतलब सुधार है। जी, बिल्कुल। क्या लगता है कि क्या प्राथमिकता है सरकार को लेकर? सरकार की प्राथमिकता ये है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हर फील्ड में काम किया है, लेकिन कुछ पार्टियां, कुछ संगठन, कुछ दल यहाँ पे जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। लेकिन ये चंबल का क्षेत्र राष्ट्रवाद का क्षेत्र रहा है और हम हर क्षेत्र में विकास करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो। हमारा बजट बड़ा है, लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, ऐसी कई योजना है जो शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के विकास पुरुष हैं और नरेंद्र मोदी जी जो देश के विकास पुरुष हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार हमारे देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। आपको क्या लगता है क्या प्राथमिकता है आप लोगों के लिए होने की? सबसे पहले प्राथमिकता हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने बहुत प्राथमिकता दी है युवाओं के लिए, जैसे कि कई चीजें निकाली है एजुकेशन सिस्टम के लिए, और महिलाओं को भी सशक्त बनाया है। पहले कई चीजें होती थी, आज से 20 साल पहले महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आज आप देख लीजिए, आप चंबल संभाग में ही देख लीजिए, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। और युवाओं के लिए भी सरकार बहुत अग्रसर है और बहुत चीज़ें सोच रही है, जैसे कि उन्होंने कई योजना निकाली है। सबसे पहले अभी योजना निकाली है, बहुत बड़ी योजना है, सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, और वो बहुत आगे की ओर अग्रसर हो रही है और इससे युवाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है। क्या लगता है कि क्या प्राथमिकता युवाओं के लिहाज से सरकार की होनी चाहिए, या ये कहें कि सरकार किस तरह से काम कर रही है और आने वाले समय में क्या कुछ आप लोग चाहते हैं? देखिए, रोजगार को लेकर और युवाओं को सशक्त करने को लेकर, महिलाओं को मजबूत करने को लेकर सरकार ने काफी काम किया है, और युवाओं की बस सब यही है कि वो सरकार में भी भागीदारी करें, उनको भी टिकट दिए जाएं और उनको भी शासन प्रशासन चलाने का एक अच्छा मौका मिले, जिससे वो है युवाओं की सारी समस्याओं को सुने, और वो रहेंगे शासन प्रशासन में तो सारी समस्याएं भी सॉल्व करेंगे। जो पार्टियां हैं चुनाव के समय बड़े बड़े वादे आप लोगों से करती हैं, युवाओं के लिए रोजगार की बात करती हैं, तमाम बात करती हैं, तो क्या लगता है कि वो वादे आप लोगों पर असर डालते हैं कि उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसके आधार पर आप लोग मतदान करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल असर डालते हैं वादे जो युवाओं से सरकार करती है ना, उसका युवाओं पर बहुत असर रहता है। इसलिए जो अभी हाल फिलहाल योजना चल रही है मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों की, उसमें भी युवाओं का बहुत लाभ, जन जन तक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा जो मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र की योजना चल रही है ना, उनको आगे और आगे के लिए सीएम साहब को और आगे के लिए करना चाहिए, और सब लोगों को अच्छा मिल रहा है युवाओं को। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया है, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, वो टिकट चुनाव लड़ेंगी, 181 सांसद अब महिला होंगी, मध्य प्रदेश में भी ये सब योजनाएं आगे जाकर लागू होंगी। क्या लगता है कि महिलाओं को किस तरीके से राजनीति में आगे आना चाहिए? जिस तरीके से पुरुष आगे आ रहे हैं, उस तरीके से महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो कई जगह ऐसा देखने में आता है कि महिलाएं विधायक या सरपंच बन तो जाती हैं, लेकिन सरकार उनके पति चलाते हैं, तो ऐसा क्यों आपको लगता है? रबर स्टाम्प बन जाती है उनको, शायद ये लगता उनको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो ये सरकार चला पाए, बट हाँ अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए तो शायद ये पॉसिबल है कि वो चलाएं और आगे बहुत जिस तरीके से पुरुष कर रहे हैं उतना ही लेवल तक वो लेकर जाएं। हमारे प्रोग्राम का नाम है अपना टाइम आएगा। अगर हम बात करें युवा नेताओं की, हम बात कर रहे हैं कि युवा नेता सामने नहीं आ रहे, उसके पीछे कारण ये कि छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि युवा नेता आगे कैसे आएंगे? आपका टाइम कब आएगा? जी देखिए, हर चीज का एक समय होता है। माली भी जब घड़ा सींचता है तो ऋतु आने पर फल लगते हैं। 2017 में यहाँ पे आखिरी बार छात्र संघ चुनाव हुए थे, वहाँ हमारे नेता कौशल शर्मा जी, अन्य जो नेता रहे, उन्होंने जीत हासिल की, एमएलबी कॉलेज के वे सचिव रहे। लेकिन उसी के साथ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन चंबल, पूरे मध्य प्रदेश में खासकर चंबल में ऐसा माहौल है कि हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ पद्धति अपनानी होगी, तब छात्र संघ होंगे। हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। हालांकि हमारी सरकार युवाओं के लिए कई स्कीम चला रही है, जैसे मुख्यमंत्री कौशल योजना, किसान सम्मान योजना, कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, और हमें पूरे विश्वास है कि सरकार युवाओं के हितों का ध्यान रखेगी। बिल्कुल। और भी कुछ युवा हैं जो सवाल मैं उनसे कर रहा हूँ, वही मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम कब आएगा? क्या बुजुर्ग नेता ही सरकार चलाते रहेंगे? वो जब कोई योजना बनाते हैं तो शायद युवाओं के बारे में वो सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि एक जनरेशन गैप हो गया है, तो उसको कैसे फिल किया जाए? देखिए, मैंने पिछली बार भी यही बोला था कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, राजनीति में युवाओं को खासकर मौका मिलना चाहिए। राजनीति में युवाओं को मौका मिलेगा, राजनीति में युवाओं को टिकट मिलेंगे, तो युवा के बारे में सोचेगा और आगे ले जाने की उसको सोचेगा। आज मेरे साथ कई युवा खड़े हुए हैं,
हम उन युवाओं की एक एक बात को जानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, बाद में सरकारों को कोसते हैं, या ये कहेंगे जिस दिन मतदान होता है वो पिकनिक मनाने चले जाते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता नहीं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए? पहले सबसे पहले जो करते हैं उनसे आग्रह है कि अपना वोट अधिकार है, उस वोट को ऐसी जगह डालें जहां सरकार आपके, क्योंकि एक एक वोट की कीमती होती है, आपको ये तो उस वोट के काबिल बनाया, तो अपना वोट दीजिए लोकतांत्रिक। और ये जो राजनीति की बात हो रही है, तो राजनीति में वंशवाद और क्या नाम जातिवाद के आधार पर ना टिकट देते हुए जो उसके काबिल है, क्योंकि जिस राष्ट्र की एक युवा की हाथ में डोर होती है उस राष्ट्र को बहुत प्रगति बहुत जल्दी होती है, योग्य उम्मीदवार होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि एक युवा की राजनीति में बहुत अहम भूमिका होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। जो क्या नाम है, एक एज हमें एज लिमिट बनाई गई है वो भी समान पद्धति उसका बिल्कुल आवरण होना चाहिए। ये नई शिक्षा नीति आई है, उसका लगता है कि वो कितनी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, अगर जॉब के लिहाज से देखें या फिर स्वरोजगार के लिहाज से देखें? देखिए, पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कुछ खामियां या त्रुटियां थी, जैसे कोई अगर बीए कर रहा है 3 साल का और उसने यदि डिग्री बीच में से छोड़ी तो वो डिग्री स्पॉइल मानी जाती थी। लेकिन अब जो की है कि वह अगर 1 साल का होगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल का होगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3 साल की डिग्री होगी तो हमें डिग्री मिलेगी। इसी के साथ हमें स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय भाषाओं से मेरा मतलब ये नहीं कि हम हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम तमिल तेलुगु बंगाली गुजराती सब भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चा अपनी मातृभाषा में ही बेहतर सीखता और समझता है, इसलिए हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी का पूर्ण तरीके से पूरे विश्वास के साथ समर्थन करते हैं। तो अगर बात एजुकेशन सिस्टम को लेकर लगातार बात हो रही है, अगर हम बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जैसे नर्सिंग की परीक्षाएं जो है वो काफी लंबे समय से बंद पड़ी हैं, छात्र जो है वो परेशान हैं, उनकी गलती नहीं है, कॉलेज को कैसे मान्यताएं मिलेंगी, सबको लेकर बातें हो रही हैं। तो क्या लगता है कि जब सरकारें किसी को अनुमति देती हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि छात्र तो नहीं समझ पाता ना किसके पास अनुमति है, तो क्या सरकार को करना चाहिए ताकि छात्र इस तरह से परेशान ना हो? देखिए, इसके लिए छात्रों को अधिकतर शासकीय महाविद्यालय में, जो नर्सिंग के महाविद्यालय, उन पर भरोसा करना चाहिए। और देश में सरकार तो शिक्षा के लिए अधिकतर लोगों को मान्यताएं कॉलेजों की दे देती हैं, पर सरकारों को क्या पता है कि व्यक्ति कैसा निकलेगा, भविष्य में कैसा कार्य करेगा। ये सरकार की गलती नहीं है, तो उन भ्रष्टाचारी राक्षसों की गलती है जो सरकार से अनुमति प्राप्त करके ऐसे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं जिससे सरकार का नाम गिर रहा है, उनका नहीं। आजकल तैयारियों जो लोग करते हैं, चाहे एमपीपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, या तमाम जो तैयारियां होती है, फीस इतनी महंगी हो गई है कोचिंग से कि घर वाले दे नहीं पाते। तो क्या लगता है कि सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए ताकि ये इस मोटी फीस से बचा जाए? सरकार जो पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि जो सरकार स्कीम ला रही है पढ़ाने के लिए छात्र को, उन पर भरोसा करना चाहिए। आज आप यदि वर्तमान में देखा जाए कि जितने भी CMI स्कूल खोल रहे हैं और भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो उनमें ना पेचा प्राइवेट की ओर भागता जा रहा है। तो जो प्राइवेट की ओर जो हम चढ़ रहे हैं उसकी